नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है मन की शांति। एक राजा था जिसे पेंटिंग से बहुत प्यार था। एक बार उसके घोषणा की कि जो कोई भी उसे एक ऐसी पेंटिंग बनाकर देना जो शांति को दर्शाती हो, वह उन्हें मुंह मांगा इनाम देगा। फैसले के दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार इनाम जीतने की लालच में अपने अपने पेंटिंग लेकर राजा के महल पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी पेंटिंग देखी और उनमें से दो को अलग रखवा दी। अब उन्हीं दोनों में से एक को इनाम के लिए चुना जाना था। पहली पेंटिंग एक अति सुंदर शांत झील की थी। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसके अंदर की सतह तक नजर आ रही थी और उसके आसपास मौजूद हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए अच्छे से अच्छी पेंटिंग हो ही नहीं सकती। दूसरी पेंटिंग में भी पहाड़ थे पर वे बिल्कुल रुखे बेजान वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजली या चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेट हिल रहे थे और पहाड़ी के एक अवस्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना देना है, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी आश्वस्त थे कि पहले पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को ही इनाम मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और ऐलान किया कि दूसरे पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को वह मुंह मांगा इनाम देंगे। हर कोई आश्चर्य में था। पहले चित्रकार से रहा नहीं गया, वह बोला, लेकिन महाराज उस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो आपने उस इनाम देने का फैसला किया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरी पेंटिंग ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आओ मेरे साथ। राजा ने पहले चित्रकार अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरी पेंटिंग के समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने के बाहर और हवा से एक तरह झुके इस वृक्ष को देखो। देखा इसकी डाली पर बने इस घोंसले को देखो। देखो कैसा एक चिड़िया इतनी कोमलता से इतने शांत भाव व प्रेम से पूर्ण होकर अपने बच्चों का भोजन करा रहा है। फिर राजा ने वह उपस्थित सभी लोगों को समझाया, साथ होने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे स्थिति में हो जहाँ कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहाँ कड़ी मेहनत नहीं हो, जहाँ आपकी परीक्षा नहीं हो। साथ होने का सही अर्थ है कि आप हर तरफ की अव्यवस्था अशांति अराजकता के बीच और फिर भी आप शांत रहे, अपने काम पर केंद्रित रहे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसरित रहे। आप सभी समझ चुके के दूसरी पेंटिंग को राजा ने क्यों चुना। हर कोई अपनी जिंदगी में शांति चाहता है
पर अक्सर हम शांति कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और उसे बाहरी दुनिया में पहाड़ों जिलों में ढूंढते हैं, जबकि शांति पूरी तरफ से हमारे अंदर की चीज है। और हकीकत यही है कि तमाम दुख दर्दों तकलीफों और दिक्कतों के बीच में शांत रहना ही असल में शांत होना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।